हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग एल्गोरिथम। मेरा नाम राघव है। आज के इस वीडियो में आपको मशीन लर्निंग का पूरा रोड मैप देने वाला हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ाई करनी, कौन कौन से कोर्सेज लेने हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं, क्या क्या बुक्स पढ़नी है और कैसे उसकी पढ़ाई करनी है। सारी चीज़ें मैं अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि 2024 में आपको क्या क्या कौन कौन से कोर्सेज हैं जो बेस्ट हैं वो आपको पढ़ने चाहिए, क्या क्या कोर्सेज आपको पढ़ने चाहिए और कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नए वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि ये साल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां लाए और बहुत सारी सक्सेस आपको मिले। तो दोस्तों, टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले मशीन लर्निंग में अगर आप बिगिनर हो, आप अगर स्टार्ट कर रहे हो कि भाई 2024 में कि हमें मशीन लर्निंग सीखनी है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है कि सबसे पहले मशीन लर्निंग में ज़रूरत क्या होती है। आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। मैथमेटिक्स मतलब जिसकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होती है उसको थोड़ा इजी होता है मशीन लर्निंग समझने में, और मशीन लर्निंग में बेसिकली पूरी मैथ ही इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लो, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी और स्टैट। ये तीन चार चीज़ें आप पहले पढ़ के जाओ। अब ये सारी चीज़ें आपको कहाँ, आप कोई भी प्लेलिस्ट उठा लो हल्की सी, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जान लो, ठीक है। और उसके बाद आप सीधे किसी भी मशीन लर्निंग कोड या मशीन लर्निंग कोर्स पे मत कूद जाना, उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और अगला जो सबसे पहला बिगिनर का कोर्स है वो आपका, जो मैंने इससे पहले दो वीडियो बनाए मशीन लर्निंग में और मैंने उन दोनों वीडियोस में ये कोर्स को मेंशन किया है कि अगर बिगिनर हो आपको तो ये कोर्स तो आपको सबसे पहले यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। जो आईआईटी मद्रास का एक कोर्स है मशीन लर्निंग का, उसको आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि उन्होंने पहले 30-40 वीडियो में सारा बेसिक जो भी है वो कवर किया है। वेरिएंस क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम क्या होती है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने सब पूरे कोर्स में डिस्कस करी है। उसके बाद उन्होंने वीक सेवन में उन्होंने डीप लर्निंग के बारे में बताया है कि NN क्या होता है, CNN क्या होता है, और सबसे लास्ट में उन्होंने अनसुपरवाइज लर्निंग के जो एल्गोरिथम, क्लस्टरिंग वगैरह और कुछ उन्होंने जनरेटिव AI के बारे में बताया है कि भाई क्या होते हैं, कैसे वर्क करता है, क्या LLM मॉडल क्या होते हैं, रैक क्या होता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस करी। तो पहला कोर्स जो है आपका वो IIT मद्रास का है मशीन लर्निंग में, उसमें करीब करीब 107 वीडियो हैं, मैंने उस कोर्स को कवर कर रखा है। वो कोर्स बहुत अच्छा है, आप अगर पढ़ो तो वहाँ से बहुत कुछ सीखोगे अगर आप बिगिनर हो। दूसरा कोर्स जो है, इसको पढ़ने के बाद दूसरा कोर्स जो है वो आपको मिलेगा कोर्सेरा पे। एंड्रयू एनजी का मशीन लर्निंग का कोर्स है, स्टैनफोर्ड करके है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी करके। उसमें क्या है, पहले जब आप क्लिक करोगे उसके ऊपर तो आपको पेड बोलेगा, मतलब पेड, लेकिन अगर उसमें एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहते हैं और आपको उसमें असाइनमेंट जो भी होंगे वो आपको करने का मौका नहीं मिलेगा, बस सिर्फ वीडियोज़ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, तब आपको वो फ्री में हो जाएगा, मतलब फ्री आप उसे पढ़ सकते हो। मतलब बेसिकली ये है कि अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए और असाइनमेंट करने तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, और अगर सिर्फ आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ कोई पैसा नहीं पड़ेगा, फ्री में उसे पढ़ सकते हो। करीब करीब वो जो कोर्स है आपका वो 11 से 12 हफ्तों का कोर्स है, थोड़ा लेंथी कोर्स है, बट जो कोर्स है ना वो अगर आप अच्छे से पढ़ते हो उस कोर्स को ना तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। वो कोर्स एक बहुत अच्छा कोर्स है, उसमें जो वीडियोस हैं एक एक चीज़ के बारे में, से वीक वन में मशीन लर्निंग क्या होती है, सो बेसिक्स क्या हैं, डिस्कशन सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सारी चीज़ें, क्या कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, वेरियंस क्या होता है, स्टैंडर्ड वेरिएशन क्या होता है, वन आउट वेक्टर क्या होता है, ये जो बेसिक्स है ना, बैगिंग, बूस्टिंग, क्रॉस वैलिडेशन, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, कैसे डेटा सेट को हम कैसे डिवाइड करते हैं, क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है, वैलिडेशन डेटा सेट क्यों लेते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एंड्रयू एनजी का जो कोर्स है उसमें बहुत अच्छे से मेंशन किया। कोर्स सिर्फ ये कोर्स फ्री में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके इसको पढ़ सकते हो। इसका जो कोर्स होने वाला है थोड़ा सा थ्योरेटिकल होने वाला है, बट जो सारे उन्होंने कंसेप्ट है बहुत अच्छे से कवर करे हैं, उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये दो कोर्सेज हो गए। उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, टेंसर फ्लो का एक रसेन कोडर करके, उनका नाम अभी नहीं याद आ रहा है, मैं उनकी वीडियो की जो लिंक है मैं डाल दूंगा, अगर आप टेंसर फ्लो सीखना चाहते हो तो उनको आप 7 या 8 घंटे की प्लेलिस्ट है, बहुत अच्छे से उन्होंने टेंसर फ्लो को एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब बात आती है बुक्स की।
बुक्स में कई हैं, जैसे सपोज सबसे पहली बुक है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, और हाँ इसमें कई सारी लाइब्रेरीज आएंगी डेटा साइंस, जैसे पांडाज हो गई, नंपाई हो गई, जब आप प्रैक्टिकल की तरफ मूव करोगे मैटप्लॉट हो गए, सीबॉर्न हो गए, साइकिलडर्न हो गए, इनकी एक सेपरेट अलग अलग बुक है। उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि पांडाज के लिए आपको कौन सी टॉप 5 बुक्स लेनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन को कैसे रीड करना चाहिए, उसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जब आप प्रैक्टिकल की तरफ मूव करोगे। ठीक है, अभी थ्योरेटिकल आप पढ़ रहे हो, बेसिक्स पढ़ रहे हो, स्टैट पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो बिहाइंड मशीन लर्निंग की, तो आप पहले ये वीडियोस को आप रेफर करो। अब जो बुक्स होने वाली है मशीन लर्निंग में, सबसे पहली जो बुक है आपकी वो आपकी होने वाली है मशीन लर्निंग मास्टरी। ठीक है, इनकी कुल 26 बुक है मशीन लर्निंग मास्टरी में, कुल 26 बुक्स है, जिसमें कुछ आर में है, कुछ पाइथन में है, कुछ बुक्स ऐसे जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम नाम से एक बुक, उसमें सारी मशीन, और एक है आपकी मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स करके, ये सारी मशीन लर्निंग मास्टरी का एक मंडल आता है, जिसमें 26 बुक होती है। ठीक है, उसमें से आपको 26 लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको और भी बुक चाहिए हो पढ़ने के लिए तो आप वहाँ से ले सकते हो। जो इसमें पहली बुक आपको पढ़नी है मशीन लर्निंग मास्टरी, और एक एक मतलब बेसिक है कि आप अगर स्टार्ट ही कर रहे हो कि मतलब हाँ हमें ये पढ़ना है कि बस हैंडबुक टाइप कर रहे हो, तो एक 100 पेज की आती है, उसका नाम है 100s ऑफ मशीन लर्निंग कुछ ऐसे टिप्स करके नाम है उसका, उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जो सबसे इसको पढ़ने के बाद जो मेन बुक है, अच्छी बुक है, जिसको थोड़ा एडवांस की तरफ जब मूव करोगे, जब ये सारे कोर्सेज और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई कवर कर लोगे, उसके बाद बुक्स आती है आपकी हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद साइकिटलर्न एंड टेंसर फ्लो, इसकी भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये जो दो बुक मैंने बताई है, अगर आप पहले कोर्स कंप्लीट करते हैं आईआईटी मद्रास का, उसके बाद आप जो स्टैनफोर्ड का कोर्स बताया मैंने, जो कोर्सेरा पे अवेलेबल है एंड एनजी का, वो कंप्लीट करते हो, उसके बाद आप मशीन लर्निंग मास्टरी और या फिर उसके बाद सीधे उसके बाद हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग मशीन लर्निंग जो बुक बताई मैंने विद साइकिटलर एंड टेंसरफ्लो, ये कंप्लीट करते हो, तो आपकी मशीन लर्निंग आपको खुद लगने लगा कि हाँ भाई हमारी मशीन लर्निंग स्ट्रांग हो गई है। अब जब आप इतना पढ़ लेते हो तो उसके बाद आपको लगता है नहीं भाई अब हमें हर एक चीज़ की एक पर्टिकुलर, से आप टेंसर फ्लो लेते हो उसकी एक बुक पढ़ते हो, उसका जो प्रैक्टिकल ऐसे करते हो, लेकिन पहले जो बिगिनर हो अगर आप, तो डायरेक्ट कोड पे आपको कोडिंग जाके नहीं करनी है, उसके पीछे की मैथमेटिक्स समझनी है कि क्या भाई मैथ लग रही है, क्या कैसे प्रोसेस हो रहा है, क्या कॉस्ट फंक्शन होता है, क्या बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी क्या होती है ना, क्रॉस एंट्रोपी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से थ्योरेटिकल जब पढ़ोगे तभी जाके आप कोड में हर एक चीज़ का मतलब समझ पाओगे। ठीक है, और जब मशीन लर्निंग जब करोगे तो प्रोजेक्ट जैसे बनाओगे। ठीक है, आप चैट जीपीटी कहीं से भी कट कॉपी पेस्ट करते हो, लेकिन अगर आप कट कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो ना, तो आपको उसमें एक पर्टिकुलर कोड की लाइन का मतलब पता होना चाहिए कि भाई ये जो हम कोड इसमें लिख रहे हैं अपने स्निपेट में, इसका मतलब क्या है, तब तो कोड कट कॉपी पेस्ट करो, वरना ऐसे कट कॉपी पेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा, आप कुछ नहीं सीखेंगे उसमें। अब जैसे कि अब जब कोड की तरफ मूव करोगे तो आपको कई, जैसे मैंने पहले बोला, लाइब्रेरी आपको सीखनी पड़ेगी, पांडाज है, नंबर इनका वर्क क्या है, इनके पीछे की मैथमेटिक्स क्या है, इसका जो वीडियो मैं सेपरेट सोच रहा हूँ वो बना देता हूँ, क्योंकि इसमें अगर बताऊंगा तो सारा वीडियो ये बहुत लंबा होने वाला है, तो इस वीडियो को छोटा ही रखते हैं, समरी बताते हैं इसकी। सबसे पहले आपको जो कोर्स स्टार्ट करना है वो सबसे पहले आईआईटी मद्रास का कोर्स है, इसमें 107 वीडियो के आसपास हैं, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, मुश्किल से आपको 20-22 दिन लगेंगे उस कोर्स को कंप्लीट करने में। उसके बाद दूसरा कोर्स है आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एंड्रयू एनजी का, कोर्सेरा पे आपको फ्री में अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको असाइनमेंट और उनका सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो आपको थोड़ा पैसे उसमें पे करने पड़ेंगे। मेरा मानना है कि आप उसमें कोई पैसे मत पे करो सर्टिफिकेट के लिए, सिर्फ आप उसकी लर्निंग जो है वो ले लो बस। ठीक है, जितना फ्री में काम हो जाए उतना अच्छा। उसके बाद जो बुक्स हैं जैसे कि मशीन लर्निंग मास्टरी, लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे उसकी PDF डाउनलोड कर लो, आराम से अवेलेबल है, क्योंकि बुक महंगी है। जैसे दूसरी बुक है हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद साइकिटलर एंड टेंसरफ्लो, करीब 3,000 से 4,000 रुपए की बुक है, लेने की कोई ज़रूरत नहीं, PDF डाउनलोड कर लो, और उससे जो उसमें क्या है, इस बुक में क्या है, सारा प्रैक्टिकल दिया हुआ है, एक एक चीज़ पढ़ते जाओ, उसके प्रैक्टिकल साइड में करते जाओ। ठीक है, और प्रैक्टिकल के लिए जैसे कि प्लेटफॉर्म जुपिटर नोटबुक हो गया, आपका पाईचार्म हो गया, और आपका गूगल कोलैब हो गया, ये सारी चीज़ प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, और ऐसे ही वीडियो में हम आपको आगे मिलते हैं, जिसमें मैं बताऊंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपका क्या रोड मैप होने वाला, कौन सा कोर्स आप पढ़ के मतलब अच्छे से आप सीख सकते हो जो फ्री में अवेलेबल हो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।